आज के हमारे वेबिनार का बेसिक एजेंडा क्लास 10th का एग्जाम, कुछ नए चेंजेस जैसे बोर्ड्स एग्जाम में हमारे डेट जो नया है, ये सब चेंजेस है बेसिकली। इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। अगर मैं प्रिसाइजली बोलूं, स्टिल सब ऑफ जॉइनिंग, अच्छा ओके चल, तो मूव करते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या, नेक्स्ट स्लाइड बेसिकली मैंने इसमें सारे एजेंडेस को डाला है। ये हमारे बेसिक एजेंडेस हैं। फॉर एग्जांपल पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। हमारा न्यू सीबीएसई का शेड्यूल आया है, हाउ टू लुक फॉरवर्ड दिस न्यू सीबीएसई का शेड्यूल है, कैसे देखें उसको, हाउ एआईएटीएस कैन हेल्प यू आउट इन दिस, बिकॉज एआईएटीएस हम कंडक्ट करा रहे हैं तो कैसे इसको सिंक में ला सकते हैं दोनों को, ताकि आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो। हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट है कि बोर्ड्स का आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो। AIITS, उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू अप्रोच टुवर्ड्स AIITS, कैसे हम AIITS के बारे में डील करें चीजों को, एंड एट लास्ट विल मेक एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करूंगा लास्ट में, which will really give you some other hope also, and last we'll have question answer session, open session उसके बाद हमारा होगा। So उस open question answer session में you can freely ask your questions, chat with us. If not possible, then we'll also provide some extra time also so that we can talk about it, because that's more important. ठीक है? Okay, चल। Let's start the session with basic introduction. So, some of you are new also, some of you have been part of Avanti. So, let me first introduce myself. Myself, Kumar Saurabh. I am BTech Mechanical Engineering from NIT Patna. I teach physics here in Avanti, and I'm also leading the center of Chhapra and Bihar. And here is Ashish sir, who would introduce himself. खुद introduce करेंगे खुद को। Ashish sir, are you there, Ashish sir? Yes. So hello everyone. About myself, my name is Ashish. I've done my BTech in mechanical engineering in the year 2015. और पिछले 5 साल से मैं maths पढ़ा रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं सीनियर मैथ्स फैकल्टी हूँ अवंती लर्निंग सेंटर छपरा में, और दिस इज अबाउट माय इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। ओके थैंक्स आशीष। तो आज बेसिकली हम लोग अपना सेशन जो स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट विद वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, बिकॉज काफी आप लोगों से मैंने बात किया, काफी लोगों से, तो काफी लोगों से मुझे अलग अलग व्यूज मिले, ठीक है। बट लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन कि सीबीएसई ने नए डेट्स डाले हैं, नए डेट्स किए, एग्जाम को एक्सटेंड किया, हाउ यू लुक टुवर्ड्स इट, क्या है एक्चुअल सिचुएशन वो अलग बात है, बट हाउ यू लुक टुवर्ड्स, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट एक्सटेंडिंग ऑफ सीबीएसई एग्जाम डेट्स विल हेल्प यू आउट इन गेटिंग बेटर प्रिपेयर्ड, आपको बेटर प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। जस्ट रिप्लाई दिस बाइनरी रिप्लाई, यस और नो, आई हैव नॉट पुट मे बी। तो एक पोल आपके स्क्रीन पे आया है, जस्ट वॉन्ट कि आप एक उसका क्वेश्चन का रिप्लाई करो, हाउ मेनी ऑफ यू फील, बिकॉज वी हैव वैरायटी ऑफ रिप्लाई, सम ऑफ यू थिंक इट्स गुड, सम ऑफ यू थिंक नहीं, प्रिपरेशन तो कर लिया था, बट व्हाई डू वी नीड दैट एक्स्ट्रा टाइम, क्यों चाहिए अपने को एक्स्ट्रा टाइम। ग्रेट, गुड, सो वी हैव गॉट 20-30 रिप्लाईज, एंड जस्ट गाइज डू इट क्विकली, ये आपका तो इंस्टेंट आंसर है, सर अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, कितने लोग 31st को पार्टी किए, कितने लोगों ने नहीं किया। So 40 people have already replied. Just wait for 20 seconds more. So guys, I will show you the result, what you have replied. आपने जो reply किया है, मैं उसका एक result show करता हूँ, ठीक है? And उसका result कुछ इस तरीके से होगा। Okay, चलो। See the result. So out of 46 replies, 36 have said that yes, we are happy, very good. But 10 have said that are not happy. They felt ki exam time pe hona chahiye tha. I'm just categorizing both types. First type is those who have said no, this is not good. Bahut simple sa iska explanation. They have prepared for March exam. They have completed their syllabus and they were only on practice mode. ये वो 10 लोग हैं जो प्रैक्टिस मोड पे थे, एंड दे वर फीलिंग कि मार्च एग्जाम में वो इजीली निकल सकते हैं, एंड देयर्स 2 मंथ्स एक्सटेंशन इज एक्स्ट्रा फॉर देम, जो उनको लग रहा है कि दैट्स दैट टाइम
और वुड से वो उनका कॉन्सेंट्रेशन को डाइवर्ट कर देगा. बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जो आप मेजॉरिटी लोग हैं देश से, दे आर सेइंग यस दिस इज प्रीटी गुड फॉर अस. सबको लगता है ये बहुत अच्छा हुआ सीबीएसई एग्जाम डिले हुआ, बिकॉज दे स्टिल फील दे आर नॉट एंड दे आर नॉट कॉन्फिडेंट व्हाट दे हैव स्टडीड ऑनलाइन. डू यू अग्री विद मी कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट या यू लैक सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ऑनलाइन में जो भी चीजें हुई यू कैन रिप्लाई चैट पे बोल बता सकते हो दैट ऑनलाइन में पढ़ा तो है बट स्टिल यू लैक सम कॉन्फिडेंस या यू नीड सम टाइम टू कैप्चर इट अगेन. ठीक है, एंड दैट्स द मेन रीजन यू से. कई लोगों ने जो जिन्होंने एक्सटेंडिंग डेट्स को सपोर्ट भी किया है दे फील कि पढ़ा तो सिलेबस सब कुछ है बट यू फील कि यार थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो उसको रिकैप्चर भी कर सकते थे. आई एम नॉट रॉन्ग सिद्धार्थ, मोस्ट ऑफ आवर ओल्ड स्टूडेंट्स हियर अगेन इज हियर आई थिंक या सो मोस्ट ऑफ यू ऑन सेम नोट. काफी लोग इसी नोट पे हैं कि दे फेल्ट कि एग्जाम का डेट बढ़ा है, दे डोंट नीड टू एक्स्ट्रा टाइम. उनको लगता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए तो अपने को टाइम चाहिए. And that's absolutely correct and absolutely justified also because you were in the new medium where you needed to do much. आपको बहुत कुछ करना पड़ा, पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ा इस ऑनलाइन. ठीक है, एंड वी विल गिव यू द सॉल्यूशन रिगार्डिंग. तो सबसे पहला जो है कि हाउ टू अप्रोच दिस. पहला तो ये सवाल आता है कि सीबीएसई के एक्सटेंशन डेट्स को कैसे अप्रोच करना है अपने को. I would give you the answer in one line. It should be approached in positive way. ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हुआ है. It is boon for you. Even those who have completed the syllabus, they have good ample amount of time to practice more and more. ये चार महीने का जो आपको टाइम मिला है, assume it to be an year. आप इसको एक पूरा साल assume कर लो. Assume कि ये पूरा साल आपको preparation के लिए मिल रहा है. एंड गो थ्रू इट. उसको उसी तरीके से जाओ कि पूरा एक साल अपन बोर्ड्स का प्रिपरेशन करने वाले. इट्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फोर मंथ्स यू हैव. डिवाइड दोस फोर मंथ्स इन थ्री एंड थ्री प्लस वन, तीन प्लस एक महीने में उसको डिवाइड करें. जैन, फेब, मार्च को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सारी थोरो रिविजन एंड कीप अप्रैल फॉर एन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ठीक है, बट won't this completely change your plan? अभी तक के अपने पूरे प्लान को चेंज भी तो कर देगा. कुछ लोगों ने तो अपना मार्च तक का प्लान बना रखा था. तो मार्च तक के प्लान में अपने को कोई चेंज नहीं करना. अपने को कोशिश करनी है हम मार्च में पूरी तरह प्रिपेयर्ड रहेंगे. ठीक है, एंड हियर कम्स AIATS. यहाँ पे आपका AIATS आता है जो आपको रेगुलरली बोर्ड पैरामीटर पे जज करेगा. ठीक है, सो व्हाट आई वांटेड टू कन्वे यू टू यू कि पहले तो ये सीबीएसई के एक्सटेंशन के डेट्स को पॉजिटिवली लें एंड थिंक कि व्हाट यू कैन एक्सेल और व्हाट यू कैन डू इन दीज फोर मंथ्स. आई विल गो टू आशीष सर रिगार्डिंग द सेम कि व्हाट्स हिज व्यूज ऑन द एक्सटेंशन ऑफ सीबीएसई एक्सटेंशन डेट्स. सो स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो देखो आप में से बहुत लोग ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे थे एंड रिसेंटली जब स्कूल्स वगैरह थोड़ा सा खुलना शुरू हो गए, आप लोग ऑफलाइन जब जाने लगे टीचर्स के पास, थोड़ा इवैल्यूएशन जब हुआ, तो कहीं ना कहीं मैं इतना मान रहा हूँ कि हर स्टूडेंट ने ये फील किया कि जो उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग थी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कि मुझे समझ में आ रहा है, मेरे से क्वेश्चंस बन रहे, जब वही स्टूडेंट्स जब ऑफलाइन सेंटर्स पर आकर, चाहे आप स्कूल्स में हो चाहे आप ट्यूशंस में हो, जब आप वहां पे आकर एग्जाम दे रहे हो और उस एग्जाम में जब आपसे लिखा नहीं जा रहा है, देन आई एम श्योर कि 99% ऑफ द स्टूडेंट्स उन्होंने ये फील किया कि भले ही हम लोगों ने क्लासेस अटेंड की, ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली रिकॉर्डिंग्स देखी, लेकिन लिखने वाला जो पार्ट था, राइटिंग वाला पार्ट, वो आपके हाथ से मिस हो चुका है. कहीं ना कहीं आप डर रहे हो लिखने में, स्पीड कम हो रही है, कितने लोग जो है अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे. अब यहाँ पे अभी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, जैसे कि सौरभ सर ने बोला, आपका पूरा प्लान होना चाहिए कि अब मैं राइटिंग पे भी फोकस करूं. और राइटिंग पे फोकस तभी होगा जब आप कोई टेस्ट वगैरह दे रहे हो, एक प्रॉपर टेस्ट उस फॉर्म में, जैसे सैंपल पेपर्स आप प्रैक्टिस करते हो. तो सैंपल पेपर्स में क्या होता है, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन सैंपल पेपर्स में तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. आपका इवैल्यूएशन वाला पार्ट जो कि स्कूल्स में आपका होता था, स्कूल्स में आपके टेस्ट वगैरह होते थे, यूनिट टेस्ट होता था, हाफ ईयरली होता था, तो रेगुलरली आपकी ना जो सब्जेक्टिव लिखने, सब्जेक्टिव पेपर्स देने का जो अप्रोच है, वो कहीं ना कहीं हर एक महीने, दो महीने पे इवैल्यूएट होते रहता था, जो अभी फिलहाल मिस हो रहा है.
और वहां पे आपको हेल्प कहां से मिलेगा, देन दैट कम्स आवर AIITS, बिकॉज आवर AIITS विल बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन बोर्ड्स. यू विल कम टू द सेंटर, एक प्रॉपर उस बोर्ड एग्जाम्स के माहौल में, जो स्कूल में आप एग्जाम्स देते हो, बोर्ड में आपका जो माहौल रहेगा उस माहौल में आप एग्जाम्स लिखोगे और फिर उनकी कॉपी चेकिंग होगी. कॉपी चेकिंग फिर आपको वापस आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो सोचा था कि हाँ यार यहाँ तो मेरे को पूरा का पूरा मार्क्स मिलना चाहिए, वो मेरा मार्क्स मिला कि नहीं मिला, मेरे नंबर कहाँ कहाँ पे कटे, ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं वहाँ वो AIITS देने के बाद फिर कॉपी चेकिंग जो होगी उसके बाद आप जब आओगे सेंटर पे अपनी कॉपीज देखोगे, टीचर से फिर डाउट सेशंस लोगे, देखोगे कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसे लिखते तो हमें इतना मार्क्स मिलता, ये सारी चीजें अब आपको प्लान करनी होगी और ये यहाँ से आपको हेल्प मिलने वाला है. थैंक यू आशीष सर, थैंक यू. सो गाइस इट्स प्रीटी क्लियर, ये जो एक्सटेंशन ऑफ मंथ है ना, ये हमें और मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए टाइम देगा. व्हाई वुड गिव ओनली 3 टेस्ट ईच, इस AIITS में 3 टेस्ट ही क्यों रखे यार, थिंक लाइक दैट ना, लेट्स गिव 6 टेस्ट, बिकॉज सिंपल सा लॉजिक है, मोर यू प्रैक्टिस बेटर यू प्रिपेयर्ड, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही ज्यादा प्रिपरेशन होगा, दैट्स बेसिक पॉइंट. खैर हम लोग अपने इस चीज को आगे बढ़ाते हुए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट हाउ AIITS कैन हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल्स. क्विक पॉइंट्स में बात करता हूं. AIITS अगर आप देते हो तो क्या आपको ये अगले 4 महीने में प्रिपेयर करेगा? देखो सबसे पहला जो आशीष सर ने पॉइंट कहा, राइटिंग एबिलिटी, देयर इज नो डाउट यू लैक राइटिंग एबिलिटी. Better you are from attending daily classes from Avanti, you are doing your own coaching, you are studying in Chhapra classes, Avanti classes, anywhere. This one thing in common, you lack writing ability, for sure. And with time bound and with time pressure, it would go out, it would burst out more. Yani simple si baat hai ki bhai jitna tumhara writing ability hai, वो जब टाइम बाउंड करके राइटिंग एबिलिटी जब देखोगे ना तो वो और ज्यादा एक्सपोज होगा. एंड दैट्स व्हाट यू नीड. आपके लिए अभी मार्क्स इंपॉर्टेंट है ही नहीं अगले 2 टेस्ट तक. अगला 2 फुल टेस्ट जस्ट डोंट बॉदर अबाउट मार्क्स, जस्ट बॉदर अबाउट कि आप कॉपी में एक्सप्रेस क्या कर रहे हो, पहली चीज. दूसरा, कई लोगों के दिमाग में आ रहा है आप तो दोबारा पढ़ेंगे, भाई आपने इतने दिनों जो पढ़ाई की है and you were preparing on 30 December तक जो आप prepare कर रहे थे कि हम 3 तारीख को exam देने वाले हैं full test का, उस thought में कोई change नहीं आना चाहिए. Just think extension of time जो है वो आपको और ज्यादा test और ज्यादा preparation में help करेगा. आप अभी भी full test के लिए पूरी तरह prepared, you have to think that. और पता चल जाएगा किस टॉपिक में आपको ज्यादा जरूरत है help की, जिस टॉपिक में ज्यादा जरूरत होगी that we will be providing. And कैसे उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है. बट AIITS का मेन मकसद है आपके अंदर का फियर खत्म करना. एंड आई एम गिविंग यू विद एग्जांपल, मेरे पास 3 साल पहले कुछ A1 बैचेस थे. A1 बैचेस का मतलब वी से वीक बैच या मीडियोकर बैच. उस बैच में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेर एट 30-40 लेवल इन स्टार्ट, बट वेर दे एंडेड विद 80-90 स्कोर. और ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो गया कुछ, उन्होंने 20-22 टेस्ट जब दिए तब समझ में आया कि 20-22 टेस्ट देते देते उनका फियर खत्म हो गया. आपके बोर्ड्स में 20 मार्क्स तो सिर्फ फियर के जाते हैं, वो 20 मार्क्स फियर वाले खत्म कर रहे हैं अपने को. एंड देयर इज अ कॉम्पिटिशन, या हियर यू हैव बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन छपरा जो उस एग्जाम को अपियर कर रहे हैं, यू आर देयर, आप भी उनके साथ कम्पीट कर रहे हो. जो आप बोर्ड्स में कम्पीट करने वाले हो उसके पहले ही आप 15 बार कम्पीट कर लोगे आप. दैट इज द मेन पॉइंट टू अचीव. हो सकता है कई लोग फील कर रहे होंगे सर मेरा 50% सिलेबस खत्म है, अचीव ना 50% सिलेबस में कितना अचीव कर पा रहे हो इसके पीछे सोचो. 60% सिलेबस कंप्लीट है, लेट्स अचीव इन दैट ओनली. सो यू हैव टू अचीव मैक्सिमम इन व्हाटएवर सिलेबस यू हैव कंप्लीटेड. अगेन समवन हैज म्यूट, जस्ट ओके कोई बात नहीं, गाइस म्यूट योरसेल्फ जस्ट. सो दिस सिंपल पॉइंट कि आपको AIITS का जो आपका रोल है वो सिर्फ इतना है कि आप इससे अपने प्रिपरेशन लेवल को इंप्रूव कर सको. आशीष सर विल टेक फॉरवर्ड इफ एनीथिंग टू ऐड. आशीष सर गाइस लाइक 2 पॉइंट्स जो मैं अभी मेरे दिमाग में आ रहा था इस जब आपसे सौरभ सर बात कर रहे थे. पहला
कि खुद के अंदर ना लेथार्जिक मत होना इस पॉइंट पे। आप में से कुछ लोग हो जो सोच रहे थे कि हाँ मार्च में एग्जाम्स होंगे, अब हम पढ़ाई करेंगे, अब वहां पे वो लोग ना ये नहीं कि अपना प्लान एक महीना और डिले कर लिया या कोई घूमने उन्हें निकल गया। मुझे पता चला है कि कुछ लोग घूमने उन्हें निकल गए ये सुनकर कि अच्छा एग्जाम तो भाई अब मई में होगा, एक महीना दो महीना आराम से हम कहीं घूम फिर के आ सकते हैं। ये काम मत करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आपकी जिंदगी का पहला ऐसा एग्जाम है जो आप ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट कर रहे हो। 25-30 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, राइट। इसके मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यहीं से आप एक तरीके से कॉम्पिटिशन, जो रियल कॉम्पिटिशन है ना, वो फील यहीं से आती है। दूसरा बात राइटिंग वाला, जैसे कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों का अभी तक 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोग 70%, 50%, 60% इस तरीके से आपने खत्म किया है। स्टिल आपका टारगेट क्या होना चाहिए? AIITS तो सिर्फ 3 तारीख को नहीं हो रहा, वो तो हर हफ्ते होगा। हर हफ्ते अगर होगा तो आप धीरे धीरे करके अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हो। और साथ ही साथ मान लो कि जो कल का एग्जाम है उसमें आपने 50% सिलेबस खत्म किया, तो पेपर में 50% मार्क्स में से आप कितना स्कोर करते हो वो टारगेट रखो। और अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम्स तो है नहीं ना कि 50% प्रिपेयर करके गए तो फेल हो जाएंगे। यहाँ पे आपका जो भी मार्क्स आएगा आप खुद चेक कर सकते हो कि यार अच्छा 10 में से मेरे को 5 चैप्टर्स पता थे, उन 5 चैप्टर्स का मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। दिस शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। और साथ ही साथ अगले AIITS में 5 हो जाना चाहिए, 7 चैप्टर्स, उसके अगले में वो 7 से 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, और हमारे लास्ट AIITS या लास्ट के 2 AIITS जो होंगे उसमें आप कंप्लीट सिलेबस, मतलब आपके एंड से कंप्लीट प्रिपरेशन रहना बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो ना ही लिथार्जिक होना, इस 3 महीने में कहीं भी ढीलापन मत लाना। रीजन क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि देखो जिस तरीके से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये दिमाग में रखा हुआ था कि मार्च में एग्जाम होने वाला है, तो उन्होंने अपना प्रिपरेशन दिसंबर में खत्म किया होगा। डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स ने भी दिसंबर में अपना सिलेबस खत्म किया है। अब इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि हर जगह पे बहुत सारे लोग होंगे। पहले हम बच्चों को कहते थे कि अगर टाइम पे आपका एग्जाम हो गया तो सिलेबस पेपर थोड़ा सा इजी हो सकता है, लेकिन अब क्योंकि आपका पेपर एक्सटेंड कर दिया गया तो आप ये मानकर चलो कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। जिस तरीके से पेपर का लेवल आता था पहले, उसी तरीके से पेपर का लेवल इस बार भी रहेगा। और क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है वो पैन इंडिया है, आपका परसेंटेज होगा, अल्टीमेटली 90% लाना है, तो फिर शुरू कर दो अपना प्रिपरेशन अच्छे से। पेपर AIITS पे फोकस रखो, राइटिंग पे फोकस रखो, घर पे लिखना शुरू करो और ढीलापन मत लाओ, ठीक है। ये मत सोचो कि अब मेरे पास टाइम ज्यादा है मैं आराम करूंगा, ये दिमाग से निकाल दो। ओके, थैंक यू आशीष सर। सो आई वांट टू ड्रॉ अटेंशन टू वन मोर पार्ट। आशीष सर, मैं एक चीज और पे अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ, रिड्यूस सिलेबस। व्हाट्स योर टेक ऑन रिड्यूस सिलेबस, बिकॉज बच्चे काफी रिड्यूस सिलेबस को लेके उनमें काफी कंफ्यूजन है। हाँ, तो गाइस रिगार्डिंग द रिड्यूस सिलेबस, आई थिंक जो सैंपल पेपर्स रिलीज हुए हैं आप उनका हेल्प ले सकते हो ये जानने के लिए कि जो बचा हुआ सिलेबस है उसपे से क्वेश्चंस में क्या कोई टाइप चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो थोड़े से कुछ नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको सैंपल पेपर में दिख रहे हैं, और उस टाइप के क्वेश्चंस आपको AIITS में भी दिखेंगे, पेपर के डिस्कशन में हम बात करेंगे। दूसरी चीज, मान लो कि जैसे आप में से बहुत लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि जो CBSE ने जो फाइल रिलीज की थी जिसमें उन्होंने सिलेबस क्या क्या हटाया है वो बताया। मैं चाहूंगा कि अगर आपको वहां पे कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप किसी फैकल्टी से कंसर्न कर ले। आप खुद से ये मत सोचो अच्छा ये हटा दिया गया है तो ये चीजें नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप एक बार उसको वेरीफाई कर लो, टीचर से पूछ लो, और ताकि यू विल बी वेरी मच श्योर कि अच्छा अब जो बचा हुआ पार्ट है वो इधर से ही आएगा, टीचर ने भी बोल दिया है। और आप हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का ये टेक है कि सर हम पूरा पढ़ लेते हैं, पढ़ सकते हो पूरा, बट हमारा जो AIITS होगा वो कम्प्लीटली आपके रिड्यूस सिलेबस के ऊपर ही बेस्ड होगा, क्योंकि हमारा टारगेट है आपके बोर्ड्स के ऊपर। और अगर आपको उसमें से कोई भी चीज पूछनी हुई, कोई मान लो कुछ नया कॉन्सेप्ट हो गया, वहां पे आप हमारी हेल्प ले सकते हो, दैट वोंट बी एन इश्यू फॉर अस। बट यस, व्हेन इट कम्स टू योर प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड, आपको कम्प्लीटली रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। आपको ये मानना ही है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो सिलेबस से हटा दिया गया है, क्लियर। और कहीं पे भी दिक्कत होती है तो प्लीज फैकल्टी से एक बार कंसर्न जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स आशीष सर। वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम सुचिता। सुचिता, इसको लास्ट में डील करेंगे। सुचिता,
उसको लास्ट में डील करेंगे आपके स्टैंडर्ड और बेसिक क्वेश्चन पेपर को लेकर के, ठीक है? मैं इसको इसको अलग से डील करूंगा, ठीक है? खैर, अगला एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू अप्रोच AIETS। आखिर AIETS जाने के पीछे अपनी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए, क्या मेंटालिटी होनी चाहिए, 100% स्कोर करना या क्या होना चाहिए? मैं इसको दो तीन पॉइंट्स में अपने खुद से समअप करता हूं। अगर आप कल AIETS देने जा रहे हो तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू यूटिलाइज 3 आवर्स। ये आप समझ लो, आज के समय आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही है। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आपकी प्रॉब्लम कुछ और नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि कैन यू सिट फॉर 3 आवर्स। जो बोर्ड्स में सबसे बड़ा क्वालिटी आता है कि 3 घंटे क्या आप बैठ सकते हो, कैन यू गिव योर बेस्ट फॉर 3 आवर्स, क्या आपका दिमाग 3 घंटे तक बेस्ट रन कर सकता है क्या? तो इसके लिए एग्जाम टैक्टिक्स पे फोकस करना पड़ता है। पहला कि आपको अपने ब्रेन को भी टेस्ट करना पड़ेगा कि 3 घंटे आपका दिमाग कैसे चल रहा है। पहला तो 3 घंटे बैठने की आदत, दूसरा कि 3 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज करते हो। मैं एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ, खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरा हमेशा से एग्जाम में होता था कि 3 घंटे में मेरा 2 घंटे दिमाग तो बहुत सही चलता था, पर आधे घंटे मैं हमेशा स्लो डाउन कर जाता था। तो क्या उस आधे घंटे को मैं कैसे घंटे तक क्या यूज, क्या मैं 3 घंटे तक अपने बेस्ट फोकस मोड में रह पा रहा हूं क्या? ठीक है, इन सब चीजों पे पता तभी चलेगा जब आप एग्जाम दोगे, क्योंकि क्योंकि एज पर योर नॉलेज हम 80% हमें 100% अपन नॉलेज के अकॉर्डिंग भी अचीव कर ले तो वी विल गेट 95+। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि आप टॉपिक छोड़ के जाते हो, टॉपिक पढ़ के जरूर जाते हो। माई वॉइस इज लैगिंग क्या? नो, ओके, सो समवन हैव, ओके, सो माई पॉइंट इज सिंपल कि भाई 3 घंटे बैठने की आदत, नो वन से कि यू आर 2.5 घंटे में हो गया, जस्ट यूटिलाइज योर 3 आवर्स। ये सिंपल, मुझे आप किसी को भी एग्जाम में ये ना कहना पड़े कि आप 2.5 घंटे में आपका पेपर खत्म हो गया। बिकॉज पहली आदत तो यही बनानी है, हाउ डू यू सेट फॉर 3 आवर्स। आप 3 घंटे में अपने दिमाग का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करोगे तो आप मार्क्स अचीव करोगे, पहली पॉइंट। दूसरा, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, नेवर लीव एनी क्वेश्चन, एटलीस्ट पुट सम अप्रोच की जो आपको पता है। अगर आपका टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप एक बेसिक अप्रोच तक तो उस क्वेश्चन को पहुंचो। बिकॉज ये जो बोर्ड्स का एग्जाम है ना, ये पार्शियल मार्किंग का एग्जाम होता है। यू कैन अचीव मार्क्स इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ये बेसिक अप्रोच होता है किसी भी बोर्ड एग्जाम का। कि एग्जाम में आपका सबसे बड़ा अप्रोच ये कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ो नहीं, छोड़ते हो देन यू लूज योर मार्क्स कम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे सीधे मार्क्स लूज कर जाते हो, जो कि नहीं होना चाहिए। बोर्ड्स एग्जाम में इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, यू मस्ट नॉट लीव द क्वेश्चन, बिकॉज यू आर कीपिंग अवे स्कोप ऑफ इवन अ 0.5 मार्क्स। आप 0.5 मार्क्स का भी स्कोप खत्म कर लेते हो अगर क्वेश्चन छोड़ देते हो। मूविंग अहेड, एग्जाम में अपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें? मैं 3 घंटे का एग्जाम है, ठीक है? होता क्या है कि हमारी एग्जाम की टेंडेंसी होती है कि हम पहले आधे घंटे अपनी हैंडराइटिंग को ज्यादा फोकस करते हैं। ये हर कोई, डू यू अग्री विद मी और नॉट, डू यू अग्री? जस्ट आई एम लॉन्चिंग अ पोल, डू यू अग्री कि सब लोग पहले आधे घंटे तो कम से कम हैंडराइटिंग पे फोकस करते हैं? भाई अच्छा लिखो, हैंडराइटिंग अच्छी रहे मेरी, प्लीज गेट ऑन सेम ग्राउंड एंड वाइड। सीधे मेजोरिटी 99% पीपल सेइंग यस सर, बट आपका जो पहला हाफ एन आवर जिसपे हैंडराइटिंग पे फोकस होता है, क्या कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन को इतना ज्यादा टाइम दे देते हो जो वो डिजर्व ही नहीं करता है? Isn't it the case कि आप 1-2 नंबर वाले को कभी कभी आप इतना टाइम दे देते हो दैट यू लूज सम टाइम, आपको अपने उस 5 मार्क्स वाले टाइम को लूज करना पड़ता है। तो इसका सिंपल सा तरीका है भाई कि पहले क्यों ना, अगर पहले मुझे हैंड राइटिंग में बनानी है और नंबर कम आ रहे तो क्या फायदा, तो हैंडराइटिंग बनानी है तो बड़े क्वेश्चन वाले को सॉल्व कर देते हैं। बड़े क्वेश्चन याद रखिएगा, बोर्ड्स के एग्जाम का सिंपल टेंडेंसी होता है, शॉर्टर द क्वेश्चन ट्रिकियर द आंसर। जितना क्वेश्चन कम मार्क्स का उतना होगा उतना ही ट्रिकी होने के चांसेस है। जितने बड़े 6 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन है उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेल ट्राइड क्वेश्चन होगा। दिस इज जनरल ट्रेंड, ये आज की बात नहीं है,
ये हमेशा से ही रहा है कि क्वेश्चन हमेशा, बड़े क्वेश्चन हमेशा इजिली अप्रोचेबल होता है, और जब बड़े क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हो ना, तो वो वन मार्क्स क्वेश्चन उसी के रिविजन में आ जाता है आपके। तो कांट वी वर्क सेंसिबली? क्या हम सेंसिबली वर्क नहीं कर सकते हैं क्या, कि हम थोड़ा अपने टाइम की प्लानिंग करें अकॉर्डिंग टू सेक्शंस? बड़े क्वेश्चन 6 नंबर वाले क्वेश्चन पहले कर दें, ठीक है? वन मार्क्स वाले क्वेश्चन जिसमें आपको हैंडराइटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, इट नीड्स डायरेक्ट आंसर, उस पर हम टाइम ज्यादा देते हैं ना, वो मार्क्स ज्यादा दिया और टाइम भी ज्यादा ले लिया। तो दीज स्मॉल थिंग्स एक्चुअली मैटर्स टाइम मैनेजमेंट। एंड हमारा मकसद ये होना चाहिए कि अगले 13-14 एग्जाम्स में इन सब चीजों पे काम करें, अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकें। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पहले एग्जाम में ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सही बुलसाई हिट होगा, लेकिन बुलसाई हिट ना हो, लेकिन एटलीस्ट उसको हिट करने के लिए हम प्रैक्टिस बहुत रहेगा, हमें बोर्ड एग्जाम में पता रहेगा करना क्या है, जो हम एक्चुअली फर्स्ट ट्रायल वहां लेंगे वो यहां पे लेंगे। तो इन सब चीजों पे भी फोकस करना है। आशीष सर विल टेक फॉरवर्ड दिस, हाउ टू अप्रोच, एनीथिंग टू ऐड आशीष सर इन? सो गाइस, सौरभ सर ने जब बात शुरू की तो कहीं ना कहीं था वो 3 घंटे मैनेज करना। 3 घंटे हमारा स्पेशली लाइक आपके केस में क्या है कि जैसे आपने स्कूल के एग्जाम्स वगैरह बिल्कुल नहीं दिए, तो 3 घंटे बैठ के जो एग्जाम देने वाला माहौल है वो कहीं ना कहीं अभी मिसिंग है आपके एंड से, राइट? और रहा बात बोर्ड, अभी क्या होता है कि आपका स्कूल का एग्जाम है तो आप रात भर पढ़ाई वढ़ाई करते हो और नींद वींद थोड़ा कम लेके भी सोचते हो चलो मैनेज हो जाएगा, और क्योंकि आपके स्कूल्स वगैरह नहीं चल रहे थे, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो आप किसी ने भी एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो नहीं किया है। यहाँ आप क्या कर सकते हो, जो मैं बहुत लोगों को सजेस्ट करता हूँ, कि आपको बोर्ड एग्जाम्स के अब जैसे डेट शीट आ जाएगी कुछ दिन के अंदर, आपको टाइमिंग्स भी पता चल जाएगा कि अच्छा एग्जाम होगा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, ठीक है? तो आपका दिमाग जो मतलब आप पेपर लिखना शुरू करोगे 10 बजे और वो 1 बजे जाके खत्म होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए ना, फिर आप क्या करना, अपना डेली स्केड्यूल भी जो बनाओगे ना, उसमें ध्यान रखना कि आप 10 बजे से लेकर 1 बजे तक बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, और एक टाइम टेबल बना लेना और वो टाइम टेबल को रेगुलरली 1-1.5 महीने फॉलो करो। इससे क्या हो जाएगा ना, आपका ब्रेन जो है वो यूज्ड टू हो जाएगा उस 3 घंटे के स्लॉट में फंक्शन करना। अभी क्या है कि अभी हमारा प्लान जो है वो बहुत रैंडम है, राइट? लेट्स से डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेक्स्ट डे हम आज अपना प्लानिंग कर रहे हैं। हमें पता है कि अच्छा सुबह कल 9 बजे क्लास होगी तो हम अभी इतने बजे सोएंगे, कल शाम को 4 बजे क्लास है तो हम इस टाइम पे उठेंगे, इस टाइम पे काम करेंगे, इस तरीके से आप प्लान करें। बट व्हेन इट कम्स टू द बोर्ड एग्जाम्स, हर दिन आपका बोर्ड एग्जाम्स का टाइमिंग सेम रहेगा, एंड इफ इट इज गोइंग टू बी द सेम देन प्लीज फंक्शन और मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल इन दैट टाइम स्लॉट। एंड इफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल इन दैट टाइम स्लॉट, सो द ओनली ऑप्शन इज आप एक ऐसा स्केड्यूल फॉलो करो जिसमें आप 10 बजे से लेके 1 बजे तक कंप्लीटली बैठ रहे हो, और वहां से जब उठोगे तो सिर्फ और सिर्फ 1-2 मिनट का ब्रेक लोगे टॉयलेट के लिए। ये नहीं कि उस टाइम पे बैठ के खाना पीना करें, कंप्लीटली अपने माइंड को इस तरीके से फंक्शन करो कि उस 3 घंटे मेरे को बैठ के पढ़ना है और पढ़ना है, उठूंगा तो बस 2 मिनट के लिए। और ये आदत लगानी पड़ेगी, अगर ये आदत लग जाती है तो आपका माइंड जो है अच्छे से फंक्शन करना शुरू कर देगा, एंड ये आपका बेस्ट निकालेगा उस स्लॉट्स में, आपका बेस्ट निकल कर आएगा, ठीक है? थैंक्स आशीष सर। एंड आशीष सर ने जो 10-1 वाला टाइम बताया वो बहुत ही क्रूशियल है, और मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि हमारे जो एग्जाम्स होंगे उनकी टाइमिंग भी 10-1 रहेगा, बट एज 1-2 एग्जाम्स में बच्चे को यूज टू होने में टाइम लग रहा है, सो वी आर जस्ट फ्लक्चुएटिंग आवर टाइम, बट 99% ऑफ आर एग्जाम्स विल बी ऑल्सो एट 10-1 PM ओनली। 10 बजे से 1 बजे का ही बेस्ट टाइम होता है, इवन दैट्स बेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड्स ऑल्सो। और याद रखिएगा, बोर्ड्स आपको गर्मी में देना है, यू हैव टू गिव योर बोर्ड्स एग्जाम इन समर, तो यू हैव टू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर समर्स ऑल्सो, ठीक है? ये बेसिक चीजें जो होती हैं, जो एग्जाम की इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, एंड हम उस चीज को इग्नोर करते हैं कि यू आर प्रिपेयरिंग इन कोल्ड बट यू हैव टू अपियर इन ह्यूमिड कंडीशन, और ये पहली बार कोई दे रहा है बोर्ड्स एग्जाम, जब आपको टेम्परेचर आपका हाई रहेगा 30-40 डिग्री सेल्सियस में आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। इट्स नॉट कि आप गर्मी में बैठ के धूप में बैठ के एग्जाम दे रहे हो, ऐसा नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू बी इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, अपियर इन ह्यूमिड कंडीशन। खैर, इसको इस 10-1 वाले को करेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम यानी कल का एग्जाम जो है, दैट इज डिलेड बिकॉज सम ऑफ द एग्जाम्स आर देयर, कुछ एग्जाम्स भी है,
और दूसरा रीजन है कि कल फर्स्ट डे आपका, तो कल का एग्जाम का टाइमिंग हमारा 10 to 1 नहीं रहेगा, बट हमारे सारे एग्जाम्स मोस्टली 10 to 1 में ही रहेंगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये एक तो पॉइंट था अपना। अगर थोड़ा उसके आगे बढ़े हम लोग, तो एक अनाउंसमेंट की तरफ भी हम लोग बढ़ते हैं, एक अनाउंसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हम ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, हम एक्चुअली 10 मिनट में क्लोज करेंगे इस मीटिंग को, उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो हम आपको सीधा आगे बात करें तो अनाउंसमेंट क्या था। सी नॉट इट सिचुएशन हैज चेंज इन पास्ट 2 डेज, बोर्ड्स एग्जाम का डेट आ चुका है, वो मई में होने वाला है। एंड फॉर दिस हम लोग अपने 10th के ऑफलाइन बैचेस भी शुरू कर रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस जस्ट फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए हम अपने ऑफलाइन बैचेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 3 महीने के लिए हम अपने ऑफलाइन बैचेस शुरू कर रहे हैं, और ये ऑफलाइन बैचेस प्रॉपर सिलेबस को हम कवर करेंगे, मैथ साइंस मेटलिस्ट। तो एक प्रॉपर रिविजन हम कराने की कोशिश करेंगे ऑफलाइन के लिए, और ये आपको शुरू विद इन अप टू 10th of January हो जाएगा आपको, 10th और 11th तक। 2-3 दिनों में ऑल डेट्स एंड शेड्यूल्स विल कम, बिकॉज बोर्ड्स ये पहले से भले प्लान्ड ना था, लेकिन बोर्ड्स के एग्जाम के डिले होने की वजह से वी आर स्टार्टिंग एंड वी विल बी स्टार्टिंग 2 बैचेस, फर्स्ट ऑन 11th। पहला 11th को हम स्टार्ट करेंगे बैच, नॉट बी विद मैक्सिमम ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं रखेंगे क्लास में एज पर आवर नॉर्म्स, और वी विल बी स्टार्टिंग आवर कंप्लीट ऑफलाइन क्लास, ठीक है। बिकॉज अब हमारी जरूरत है हम ऑफलाइन स्टडी भी एक करें, एंड 3 महीने एक अच्छा वक्त होगा जब हम कॉन्सेप्ट वीक अगर है तो हम उनको पूरा पूरा दोबारा रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स द वन अनाउंसमेंट दैट आई एम गोइंग टू मेक, जिसके बारे में फर्दर डिटेल्स आपको जल्दी ही मिलेंगे, होपफुली कल भी आपको काफी डिटेल्स मिल जाए आपको, ठीक है। तो एक अनाउंसमेंट था, एंड बोर्ड्स एग्जाम में हमारा फोकस यही रहेगा कि जितना ज्यादा हो सके बोर्ड्स एग्जाम का प्रिपरेशन क्लास में करो। आई जस्ट वॉन्ट कि आपका 1.5-2 घंटे रोज यूटिलाइज हो, मंडे टू फ्राइडे क्लास, सैटरडे संडे एग्जाम्स, एंड दैट वी विल बी स्टार्टिंग सून विद इन अ वीक, ठीक है। दैट्स वन अनाउंसमेंट दैट वी हैड टू मेक, एक अनाउंसमेंट हमें करना था, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे, मुझे पता है आपके, विल टेक इट अप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन आंसर सेशन, बिकॉज हम सिर्फ बोलते रहे और आपके क्वेश्चन ना लें तो भी वैलिड नहीं है। तो एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आशीष सर आया, आई एम रिस्पॉन्डिंग टू दैट। फर्स्ट क्वेश्चन है, गाइस यू कैन रिस्पॉन्ड टू एवरीवन करके, आप एवरीवन करके रिस्पॉन्ड कर सकते, क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर कल के टेस्ट का टाइमिंग क्या होगा? टेस्ट का टाइमिंग कल 1 से 4 होगा। टुमारोज एग्जाम टाइमिंग इज 1 to 4 PM, जस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डिमांडेड कि सर थोड़ा कल एग्जाम लेट रखें, बट हमारे एग्जाम 10 से 1 में ही होंगे, ठीक है। सो टुमारो वी आर स्टार्टिंग विद 10, 11 to 4 PM। होपफुली आपको आने में दिक्कत नहीं होगी, दिस इज न्यू सेंटर फॉर अस, अवंती का नया सेंटर है, यू माइट नीड सम टाइम टू रीच द सेंटर, ठीक है। तो ये इसलिए हमने 1 से 4 PM विल आपको ये अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। दैट्स ऑन अवंती सेंटर, नॉट फॉर सेंट जोसेफ किड्स, उनके लिए एग्जाम की टाइमिंग विल बी माइट बी 10 to 11 AM होगा, ठीक है। फॉर सेंटर एग्जामिनेशन, जो सेंटर पे एग्जाम हो रहे हैं छपरा के बच्चों के लिए, उनका 1 से 4 होगा, ठीक है। मेधावी, दैट वाज रिक्वायर्ड अनाउंसमेंट, जस्ट यू कैन आस्क, पुट योर क्वेश्चन। आप अगले हाफ एन आवर और 15 मिनट आप अपने क्वेश्चन पुट कर, तो वी एंड आशीष विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चैट जब करोगे तो यू कैन चैट टू एवरीवन करके आप वहां पे डालना, एंड हैंड रेज कर लो। आप क्या करो, जिन जिन को क्वेश्चन पूछना है, आप अपना हैंड रेज, पार्टिसिपेंट्स में जाते हो ना तो वहाँ पे रेज हैंड का ऑप्शन होता है, तो हमें दिख जाता है कि किन किन लोगों ने रेज हैंड किया। जैसे अभी अभी ने हाथ खड़े किए हुए, तो हम अभी को फिर बोलेंगे कि आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछो। तो इस तरीके से एक साथ बहुत लोग अनम्यूट नहीं करेंगे और एक एक करके हम सबके आंसर्स भी देंगे, ठीक है। तो अभी आप अनम्यूट करके आप पूछिए क्या पूछना चाहते हो। आशीष सर, आई एम स्टार्टिंग विद वन क्वेश्चन, मेधावी ने पूछा है, सर कल अवंती बॉम्बे वाले टेस्ट भी डिले होके 1 PM को है, सो बट सी मेधावी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अब आप ऑफलाइन एग्जाम दो, ऑनलाइन एग्जाम है वो मत दो। आई एम पुटिंग इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आपके सारे एग्जाम्स वहां से डिले करा दूंगा, आप एग्जाम सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन दो, ठीक है। आपको पेपर चाहिए होगा, विल अरेंज, या साक्षी एग्जाम टाइमिंग 1 to 4 PM। किसी को क्वेश्चन पूछना, जस्ट रेज योर हैंड एंड अनम्यूट योरसेल्फ। बहुत दिनों के बाद काफी लोगों से बात हो रही है। अमृतेश, ही आस्किंग सर कल कहाँ पर आना एग्जाम में। अमृतेश, हरिमोहन गली, म्यूनिसिपल चौक के पास हरिमोहन गली में हमारा सेंटर है, नया सेंटर, हम आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी भेज देंगे अमृतेश,
सो डोंट वरी, हम आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी भेज देंगे. कुमारी सुचिता दास, सर AIITs, हाँ सुचिता ने पूछा है कि सर AIITs विल हैव सेपरेट स्टैंडर्ड एंड बेसिक क्वेश्चन पेपर. सुचिता, वी विल बी सेपरेटिंग पेपर्स आफ्टर टू टेस्ट. मैथ्स के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट था कि हम दो टेस्ट के बाद इस पेपर को डिस्टिंग्विश करेंगे, बट वी हैव ट्राइड कि हमारे पेपर्स दोनों को अकोमोडेट करें एग्जाम्स को. फर्स्ट टू पेपर्स, थर्ड एंड फोर्थ विल कंप्लीटली सेपरेट दैट, बट इन फर्स्ट टू पेपर्स वी विल हैव कंबाइंड एंड अकोमोडेटिंग बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अभी आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है तो अनम्यूट पे क्लिक करो और पूछ सकते हो. स्पीक करना, हम लोग को सुनाई देगा. Anyone else? Amrita is asking, sir, कल का एग्जाम सेंटर अवंती रहेगा? बिल्कुल, अवंती का सेंटर, अवंती सेंटर पे ही रहेगा, म्यूनिसिपल चौक. Amrita. Anyone else? कुछ भी पूछना है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, चैट में पूछ सकते हो. अमन कुमार, टाइमिंग्स जो रहेंगी ना हमारे सेंटर पर जो आकर देने वाले हैं उनके लिए टाइमिंग होगा 1 बजे से लेकर 4 बजे तक. जो यहाँ पे सेंट जोसेफ एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका एग्जाम उन्हीं के स्कूल में होने वाला है, उनका टाइमिंग्स अलग रहेगा. तो ये 1 से 4 जो हमारे सेंटर पर आकर देने वाले हैं उनके लिए. सो अमृता इज आस्किंग सेंट जोसेफ का. अमृता, सेंट जोसेफ के एग्जाम सेंट जोसेफ स्कूल में ही होंगे, ठीक है. अमृतेश श्री इज आस्किंग वन क्वेश्चन, सर क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? अमृतेश, जस्ट यूज मास्क, ठीक है. आप मास्क यूज करो, सोशल डिस्टेंसिंग विल मेंटेन एट सेंटर एंड कीप योरसेल्फ एट एंड पर्सनली हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें आप. खुद का वाटर बॉटल लेकर आओ, इफ यू वांट टू फॉलो प्रॉपर प्रिकॉशंस तो खुद का वाटर बॉटल लेकर आना एंड अपने साथ एक सैनिटाइजर का छोटा सा बॉटल लेकर आना और मास्क लगा कर आना. दीज आर द 3 बेसिक थिंग्स व्हिच वी विल डिमांड फ्रॉम एवरी स्टूडेंट. सिद्धार्थ सिद्धार्थ सर, AIITs ग्रुप पर न्यू ऑफिस का लोकेशन सेंड कर दीजिएगा. बिल्कुल, हम नए ऑफिस का लोकेशन बिल्कुल सेंड कर देंगे. यू कैन सर्च इन गूगल मैप. गाइस, जस्ट कम 15 मिनट्स बिफोर द टाइम, बिकॉज आपको ढूंढने में दिक्कत हो, यू कैन रीच ऑन टाइम. अमृता, एग्जाम टाइमिंग फॉर सेंट जोसेफ अकेडमी, यू विल बी इन्फॉर्म विद इन 2 आवर्स, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. अमन कुमार, एग्जाम टाइम फॉर छपरा? नो अमन, एग्जाम टाइम फॉर आवर ऑफिस सेंटर इज 1 to 4 PM. अमन, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स विल नीड सम टाइम टू रीच सेंटर, तो इसलिए कल का एग्जाम हम 1 PM to 4 PM हमने रखा है. Guys, you can ask your questions. I think we are having questions. Sakshi, please, exam timing is 1 to 4 PM. Bilkul, Sakshi. We will announce. Hum log group pe bhi timing ko dalenge aapko. Group pe inform karenge hum aapko. Theek hai? But guys, group ko thoda aur active banaiye. WhatsApp group ko apne aur active banaiye. We will open for questions also. Ab hum questions ke liye bhi usko open karenge. You can put your questions also. प्रियंका इज आस्किंग सर, AIITs 13th फेब के बाद फिर होंगे क्या? प्रियंका, AIITs विल कंटिन्यू, विल नॉट एंड. AIITs विल नॉट एंड अप टू बोर्ड्स एग्जाम, डोंट वरी. दीज एग्जाम्स विल बी एक्सटेंडेड टू मोर नंबर ऑफ एग्जाम्स. मेधावी सर, 11th के ऑफलाइन. मेधावी, मैथ्स एंड साइंस. मेधावी, SST we have completed the syllabus, but we will be starting maths and science. And we'll also provide some assistance in SST English, but maths and science will start first. सारे अवंती students के लिए भी time बिल्कुल same है, ठीक है. 11 Jan से जो हम batches अपनी शुरू करेंगे, 11 Jan और 16th Jan, because we have 3 days holiday for that Makar Sankranti, also 2 days, Saturday, Sunday is there. So we'll inform you within a day or two. व्हाट्सएप ग्रुप पे SST क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अमृतेश इज आस्किंग सर, पूछ सकते हैं. अमृतेश, जस्ट पुट योर क्वेश्चंस ऑन ग्रुप. आप क्वेश्चन ग्रुप पे डाल दो, वी विल इन्फॉर्म, वी विल रिप्लाई. जीता इज आस्किंग सर, इफ वी गिव मैथ्स फुल टेस्ट, इज देयर एनी नीड टू सॉल्व मैथ्स सैंपल पेपर? सुचिता, इफ यू आर अपियरिंग इन 4 मैथ्स टेस्ट, व्हाट आई थिंक सुचिता, कि आप अगर एक मैथ्स का टेस्ट देने एग्जाम आ रहे हो ना,
आप घर पे उसके लिए एक सॉल्व करके आओगे. सिंपल लॉजिक. अगर आप एक एग्जाम देने आ रहे हो एक पेपर का, तो उसके लिए एक आप घर पे सॉल्व करके आओगे. यानी वॉट एवर नंबर ऑफ एग्जाम्स यू आर टेकिंग, जस्ट डबल इट अप एंड दैट्स सफिशिएंट. बिकॉज आप उस AIETS के लिए भी एक बार प्रिपेयर हो जाते हो, उसके लिए भी आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है. तो आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है ना, वो 3 लेयर हो गया है, ना कि सीधा सीधा 2 लेयर. सिद्धार्थ, ऑफलाइन क्लासेस हमारी हार्डली 1.5 से 2 घंटे चलेंगे इन इवनिंग. प्रियंका, हमारी ऑफलाइन क्लासेस होगी, कोई ऑनलाइन क्लास अब नहीं, बिकॉज ऑनलाइन दिस हैज बीन इनफ. आई थिंक यू मस्ट बी फेड अप विद दैट. Guys, I think the main reason why we are planning all these things is because सब ऑनलाइन में जैसा लेवल पे रहते थे जब, और जिस तरीके की प्रिपरेशन आप लोगों ने की थी, when you came for the offline exams, चाहे आपने एक सब्जेक्ट का टेस्ट दिया हो, चाहे एक 1.5-2 घंटे का पेपर दिया हो, उन सारे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन में जितना अच्छा स्कोर करते थे, ऑफलाइन में आने के बाद आपके स्कोर्स में रिडक्शन हुआ है, राइट? और अब आपके अंदर भी वो ऑफलाइन वाला जो ऑनलाइन में जो आपके पास इजीनेस होती थी, जो मतलब आप आराम से ऑनलाइन क्लासेस करते थे, मिस करते थे तो रिकॉर्डिंग मिलती थी, ये सारी चीजों से अब आपको दूर हटना है, क्योंकि ऑनलाइन जिंदगी भर नहीं रहने वाला. आप ये मानकर चलो कि 11th जो आप एडमिशन लोगे, क्या लगता है आपको 11th आपका ऑनलाइन चलेगा? नहीं चलने वाला. इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑफलाइन. एग्जाम्स देने भी आप ऑफलाइन सेंटर्स पे जाओगे. तो अब आपके दिमाग में ऑनलाइन वाली चीज हट जानी चाहिए. यस, टेक द हेल्प ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज टू इम्प्रूव योर नॉलेज. डाउट्स वगैरह हो गए या उन सब के लिए कर लो, बट डोंट लीव दिस ऑफलाइन थिंग एनीमोर. सो गाइस, जस्ट सिंपल वर्ड्स में टेक द रियलिटी, ऑनलाइन भी अब एक लाइफ का पार्ट बन चुका है, ठीक है? तो इन फ्यूचर अगर आपको, मुझे कभी क्लास आपकी ऑफ करनी पड़ी ड्यू टू सम डिफिकल्ट रीजंस, भारत बंद, बिहार बंद, आई विल नॉट एंड द क्लास, आई विल जस्ट कॉल यू इन ऑनलाइन. ये अपॉर्चुनिटी पहले आपके पास नहीं थी, जस्ट यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम. और अब आपके जो पढ़ाई के लॉसेस है वो कम होंगे, बट वो लॉसेस कम करने के लिए हो सकते हैं, वो रेगुलर क्लास नहीं हो सकता, ठीक है? बट स्टिल सम क्वेश्चंस आर देयर आशीष सर. वन, डेली क्लास विल आल्सो एंड सर. ओम रजन, डेली क्लास विल कंटिन्यू, बट यू कैन स्किप द डेली क्लास. इफ यू हैव द ऑप्शन ऑफ ऑफलाइन क्लास, गो टू ऑफलाइन, डोंट गेट टू ओनली ऑनलाइन. आयुषी सिंह सर, टोटल कितने पेपर होंगे? आयुषी, जस्ट वी विल रिवाइज सम आवर AIETS टेस्टिंग प्लान. हम अपने AIETS टेस्टिंग प्लान को रिवाइज करेंगे ही करेंगे, ठीक है? अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स एंड नंबर ऑफ पेपर्स विल श्योरली इंक्रीज. पेपर का नंबर श्योरली इंक्रीज ही करेगा, ठीक है? सो आपके पास और अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट देने के लिए. निहारिका एजाज सर, NTA से एग्जाम 24 जैन को है बिहार में, हाउ कैन वी प्रिपेयर? निहारिका, वी विल लुक फॉरवर्ड टू इट. हम देखेंगे उसको, एंड इफ वी कैन do some required changes, we will do. And we will inform you at least a week before. Siddharth pooch raha hai, sir, pehchan rahe ho mujhe? Bilkul Siddharth, main pehchan raha hu. Itne saal nahi hue tumhe dekhe. Last year you were there. I am identifying all 982 students. Newton Singh kaun hai ye? Newton. So bhai, kuch logon ne apne naye naye naam rakhe hain. They are there, ठीक है? No sir, मेरा ही नाम है. अच्छा, नाम ही है. Okay, great. चलिए, साक्षी सर, when our offline class will start it? साक्षी, it will be informed within a day or two. उत्कर्ष is asking sir, any test for NTSC? Yes, उत्कर्ष, we will schedule NTSC sample test as soon as before our NTSC exam, which is on 24 January. We will inform you because this is the time to 3-4 test agar aap de doge, you will be better prepared. Hum aapko iske date zarur bata denge within a day or two. NTSC ke test wagera ke liye aapko weekdays pe thoda aana pad sakta hai because day time mein, theek hai? Do ghante ke do test honge stage 1 ke, to dhyan rakhiyega ye cheez. Sir, schedule mein jo gap hai usme leave milega ya fir classes chalega sir? शेड्यूल में मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, अगले 3 महीने आपकी क्लासेस चलेंगे. सीधी सी बात, आपके हम ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस को रिकॉल कराएंगे. जो पढ़ चुके हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोबारा रिवाइज करने का. और श्री, वो गैप नहीं है, आप डेली बेसिस पे टेस्ट थोड़ी दोगे. वो टेस्ट का शेड्यूल है. टेस्ट का शेड्यूल है. एजुकेट
I'm finding this session pretty interesting. आपके questions very interesting. आप पूछ सकते हो. Well, आप लोग ना भरने में feel ashamed यार. जो भी मन में doubt आ रहा है पूछ लो. Chat में पूछ सकते हो. Unmute नहीं करना है. Chat में पूछो. सौरभ सर को भी आप चाहो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज कर दो. आपका नाम भी नहीं दिखेगा कि किसने क्या पूछा है. नाम नहीं लेंगे वो अगर आपका क्वेश्चन फालतू हुआ तो. बट आस्क योर डाउट्स. क्योंकि बाद में ग्रुप पे आप यही करोगे. ग्रुप पे आप क्वेश्चन पूछोगे हम आंसर करेंगे. इससे बेटर है आप यहीं पे लाइव क्लियर कर लो. प्रियंका इज आस्किंग सर स्कूल और कोचिंग कैसे मैनेज करेंगे. प्रियंका पहले कैसे करते थे मैनेज. हाँ पहले. और प्रियंका सिंपल सी बात है. आपकी टाइमिंग हम ऐसे रखेंगे कि स्कूल को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा. वी विल ट्राई. वी ऑलवेज ट्राई कि आपके स्कूल को आयुषी पीटीएम तो होगा लेकिन दो एग्जाम के बाद होगा. तो जस्ट चिल. पढ़ाई पे फोकस करें अभी. पेरेंट्स को क्या एक्सप्लेनेशन देना है उस पे फोकस चल रहा है. नहीं नहीं आप पढ़ाई करें आपके नंबर आएंगे. सर इसीलिए तो सर को पर्सनली मैसेज कर रहे हैं. सिद्धार्थ सिंह. ओके सिद्धार्थ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन बिकॉज वी आर हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस नॉट जज यू. अच्छा आज स्टूडेंट्स अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो आप यहाँ से सेशन से निकलो. बायो की क्लास से अटेंड करो. Yes, they have some of them have biology classes. So Ritu is asking sir जो student half syllabus ही complete किया. Ritu, I was always saying अगर आपने 50% syllabus भी किया है then still AIITS is equally important. तो यहाँ पे marks नहीं. जो आपने पढ़ा है उसमें आपका success rate important होगा. क्या जो आपने पढ़ा है उसमें कितना आप achieve कर सकते हो. एंड आप अपने आप को उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग जज करो. यहाँ पे रेस नहीं होने वाली है पहले दो तीन टेस्टों में. यहाँ पे आपको अपने को जज करना है कि मैं क्या जितना पढ़ा है उतना पे मेरा क्या रिस्पॉन्स. एंड दैट्स हाउ दिस टेस्ट विल गिव यू कॉन्फिडेंस. अच्छा मैं 10-20% सिलेबस अगले टेस्ट में और पढ़ के जाऊंगी तो मेरा इतना मार्क्स आएगा. सर्वाइवर किस पर ज्यादा फोकस करें. एनटीएससी और बोर्ड्स. आपका एनटीएससी अभी 24 तारीख को है. और दूसरी चीज है कि अभी आपका कोई स्केड्यूल आई डोंट थिंक इतना हेक्टिक हो रहा होगा कि आपको बहुत सारी क्लासेस बहुत सारे काम है. तो मैनेज दोनों को करो. फोकस शुड बी यू कैन से 60% आपका एनटीएससी पे फोकस होना चाहिए. सैंपल पेपर्स देते रहो. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो. बट अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तभी सॉल्व कर पाओगे जब माइंड में थ्योरी क्लियर रहती है. तो फोकस दोनों पे ही होना चाहिए. बट सिंस एनटीएससी इज ओनली 20-22 दिन दूर है तो उस पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए. दिन के जो नंबर ऑफ आवर्स है वो दोनों को ही अलॉट करो. बट एनटीएससी के लिए थोड़ा ज्यादा कर लेना. बट ऐसा नहीं कि बोर्ड्स को पूरा छोड़ रहे हो. एंड प्री कंडीशन इज आपका बोर्ड्स का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए. एग्जैक्टली. एनटीएससी तभी अच्छा करोगे ना जब आपने 10th के सारे सिलेबस खत्म कर चुके हो ऑलरेडी. साइंस मैथ सोशल वगैरह के. एंड आई नो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द ग्रुप आर देयर जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है. आई नो. तो आपके लिए बेटर है कि आप उसको एग्जाम के लिए एस्पायर करें. प्रियंका सिंह आस्किंग सर क्या सॉल्व करना ज्यादा हेल्पफुल है सैंपल पेपर्स या प्रीवियस ईयर्स पेपर्स. आशीष सर विल यू रिस्पोंड. देखो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ना आपको इस बार उतना हेल्प नहीं करेंगे बिकॉज़ सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो गया है. जो इस साल का जो सिनेरियो वो पिछले 10-20-25 साल में नहीं हुआ है. तो ऑब्वियसली इस बार सैंपल पेपर्स पे आपका फोकस ज्यादा रहना चाहिए क्योंकि सैंपल पेपर्स को करेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लान किया गया है. प्रीवियस ईयर्स को भी हेल्प लो. आप मानकर चलो जैसे लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट मैथ्स तो आपको पता है कि हाँ मैथ्स में सर्कल्स हो गया तो सर्कल्स चैप्टर से कुछ नहीं रिमूव किया गया है. तो प्रीवियस ईयर में सर्कल्स के जितने भी क्वेश्चन आए वो जरूर कीजिएगा. तो दोनों को साथ में लेकर चलो. हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर करो या सिर्फ सैंपल पेपर करो. सैंपल पेपर तो जरूर करना है. प्रीवियस ईयर भी करना है. लेकिन हाँ जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होगे आजकल इतने सारे मार्केट में बुक्स अवेलेबल है जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं आपको तो उसमें से जो हटा दिया गया है उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करना और जो है उसको जरूर कर लेना. क्योंकि बहुत बार हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. क्वेश्चंस की वैल्यू भी नहीं. सेम क्वेश्चन रिपीट होता है. आपको बुक्स वगैरह भी जब खरीदोगे तो आपको दिखेगा कि सेम क्वेश्चन पिछले 10 साल में 4 बार पूछा गया है. तो दोनों को करना है. रिड्यूस्ड वाला पार्ट प्रीवियस ईयर में नहीं करना बस. ठीक है. अच्छी सर वन क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट. आयुषी गिरी हैज आस्किंग इज आस्किंग सर हाउ विल वी स्टार्ट द पेपर फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चंस और टू शॉर्ट क्वेश्चंस. माय रिप्लाई इज प्रीटी क्लियर आयुषी कि आई वुड से कि क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ो. विच सूट्स यू मोर. आपको जो अट्रैक्ट पहले कर दिया ट्राई विद दैट वन. बट लॉन्ग क्वेश्चंस हमेशा प्रेफरेबल होते हैं बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चंस विल गिव यू मार्क्स एज वेल एज प्रेजेंटेशन दोनों देगा आपको. बट अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको लग रहा है कि फंस सकता है पहला क्वेश्चन
डोंट गो बाई दैट लिखा हुआ पार्ट की नहीं मुझे ऑल लॉन्ग ही करना है. कॉन्फिडेंस भी एक चीज होती है, ठीक है. पहले हाँ आयुषी देखो, अब यही सारे डिसीजंस लेने में आपको अगेन AIITC तो हेल्प करेगा. जब आप इस तरीके चार पांच पेपर्स लिख रहे होगे 3-3 घंटे के, तो किसी एग्जाम्स में आप ये प्लान करके चलोगे कि नहीं पिछले बार में मेरा लॉन्ग वाले से शुरू किया था सही नहीं हुआ, इस बार हम ऑब्जेक्टिव से शुरू करेंगे. तो इस तरीके के डिसीजंस लेने में ही तो ये टेस्टिंग हेल्प करेंगे ना. एक दिन एक प्लान बनाकर चलो, वर्क करता है तो उसी को और इम्प्रूव करो, नहीं वर्क करता है तो प्लान चेंज करो, और इसके लिए आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स भी होंगे, ठीक है. सिद्धार्थ का एक क्वेश्चन है कि सर कैन यू सजेस्ट सच बुक. सिद्धार्थ मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, ओसवाल के आ जाते हैं, टुगेदर विद के आ जाते हैं, अरिहंत के आ जाते हैं, कोई भी एक बुक ले सकते हो. अल्टीमेटली तो सब पास्ट ईयर क्वेश्चन ही है, कोई अपना क्वेश्चन डालता नहीं है, ठीक है. तो जो सस्ती बुक दिख रही है अच्छे वो वाली, वो भी उठा सकते हो, या कोई अगर आपके भाई बहन के पास जिन्होंने लास्ट ईयर खरीदी है उसे भी पिक कर सकते हो. सो वन क्वेश्चन इज देयर सिद्धार्थ आस्क्ड बाय उत्कर्ष. उत्कर्ष ने पूछा है कि सर आप जो सिलेबस NTSC में होगा वो रिड्यूस सिलेबस आएगा क्या? नहीं, NTSC में तो कंप्लीट सिलेबस आएगा. एंड लेट मी अश्योर यू कि 9th को प्रेफरेंस हमेशा ज्यादा मिलता है, ठीक है. वन ऑफ एक्सेप्शंस को आप हटा दो तो 9th इज ऑलवेज प्रेफर्ड एटलीस्ट इन साइंस. आशीष सर यू एनीथिंग ऐड मोर टू ऐड? एग्जैक्टली सेम एंड फॉर NTSC गाइस, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है 10th में, 12th में, 11th में, 9th में, ये सारे सिलेबस रिमूव हुए हैं बस आपके स्कूल करिकुलम के अकॉर्डिंग. आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई एक ओलंपियाड भी दे रहे हो, मान लो NTSC छोड़ो, कोई नॉर्मल SOF वगैरह के ओलंपियाड दे रहे हो, इवन उसमें भी सिलेबस चेंज नहीं होगा. सिमिलरली आपके जो सीनियर्स है जो 12th में है, उनका भी सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है बस 12th के लिए हुआ है. कोई IIT लिखेगा, कोई NEET लिखेगा, कोई दूसरे एग्जाम्स लिखेंगे, वहां पे उनके एग्जाम्स में कुछ चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, और कोई क्वेश्चन है गाइस पूछ सकते हो. नहीं सुचिता, फॉर नेक्स्ट 3 months वी विल हैव सेंटर एट आवर सेंटर ओनली बिकॉज़ दैट्स नॉट स्टार्टिंग फॉर दिस ईयर. दैट्स एट म्युनिसिपल जॉब सेंटर. दैट्स अ बैड पार्ट. सो एनीवन एल्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? आई थिंक वी आर हियर. इफ नॉट यू कैन गो एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम. ऑल द बेस्ट गाइस. वैसे तो जो लोग भी जा रहे हैं दिस ऑल द बेस्ट. All the best, and other guys who want to ask anything can continue to ask. वो पूछ सकते हैं. And others who are leaving, just all the best for exam. Just you take a feel of board's exam. सब लोग कल board's exam का एक feel लें. It's not about marks. It's about how board's exam take place. और सबसे बड़ी चीज, अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच में 3 घंटे का एग्जाम लिखना. जनरली हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम अपने स्कूल के स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के बीच में लिखते हैं, तो वी आर मोर कंफर्टेबल. यहाँ पे वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, राइट. सो सिद्धार्थ आस्क्ड वन क्वेश्चन. सर आवर सेशन इज एंडिंग एट 15 जुलाई. अरे आप सिद्धार्थ कह रहे हैं तो आपका एग्जाम का रिजल्ट 15 जुलाई को आ रहा है. सर इट वोंट इट बी टू लेट फॉर नेक्स्ट सेशन? सिद्धार्थ ये लेट तो होगा, ऑब्वियसली लेट होगा, बट स्टिल यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ. यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ. इफ यू आर वेल सेटिस्फाइड विद योर 10th प्रिपरेशन, यू कैन वी कैन स्टार्ट सम 11th प्रिपरेशन ऑल्सो. बट स्टिल अ रिस्क टू इट. स्टिल आई वुड नॉट सजेस्ट दैट. बट इफ यू आर कंफर्टेबल देन मीट अस एनी टाइम. विल श्योरली हेल्प यू आउट टू यूटिलाइज योर टाइम इन बेस्ट मैनर. हमारी कोशिश होगी कि अगर आपको इस तरह की हेल्प चाहिए वी विल गिव यू एम्पल सपोर्ट टू सपोर्ट. सर बाकी कॉम्पिट एग्जाम्स भी देते भी आगे होंगे क्या? लाइक BHU प्रियंका सब एग्जाम के डेट्स आगे होंगे. अनुराग आनंद आई थिंक ये लेट आया. अनुराग कल एग्जाम की टाइमिंग 1-4 होगी, 1-4 PM. डोंट मिस द एग्जाम, ठीक है. I think Ashish sir, we had a nice session. Yeah. We have taken most of the question. Paper discussion basically. See, as centers have opened, तो हम online session तो रखेंगे ही, but offline discussion भी होगा उसका class में. Class में discussion उसका online offline दोनों होगा.
ऑनलाइन डिस्कशन विल बी देयर बिकॉज सम स्टूडेंट्स वोंट बी अवेलेबल फॉर ऑफलाइन ऑनलाइन. उनके लिए हम डिस्कशन रखने की कोशिश जरूर ऑनलाइन करेंगे, एटलीस्ट इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट. I think we are nearly done, sir. Ashish, sir. Yeah. So thank you, everyone. We had a great session. I believe we have answered all your queries. And still, if you are you have something to ask, you can surely ask in the group. So, happy New Year! Wish karna bhool gaye sir, humlo. So it's so happy New Year, guys. Happy New Year, everyone. Happy New Year, guys. दिखा दो 2021 में कि 20 में हमने बहुत पढ़ाई की थी. या एंड प्रियंका जस्ट कीप फकिंग हार्ड फॉर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स. सबके 90% प्लस मार्क्स आने चाहिए. सुचिता सैंपल पेपर मिस कर लेके कोई क्लैरिटी नहीं है, बट आशीष सर कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन कि मैथ देखो स्टडी वाले. बस हमारा यही अप्रोच रहेगा. देखो क्या होता है कि अल्टीमेटली केस स्टडी वाले क्वेश्चंस अभी उन्होंने सैंपल पेपर में खुद इंट्रोड्यूस किए, तो जनरली क्या होता है कि हम भी अपने पेपर्स में इनको डालेंगे जरूर. बाकी वेटेज क्या है ये तो उन्होंने क्लियर नहीं किया, तो आप ये मानकर चलो कि हाँ ये अब ये क्वेश्चंस जितने भी आएंगे हमको अटेम्प्ट करना होगा. एंड एक दो बार जब क्या होता है कि इस तरीके के नए क्वेश्चंस जब आते हैं ना, तो एक साल दो साल जब वो कंटिन्यूस पेपर में आते हैं, देन ओनली लोगों के माइंड में एक आइडिया आता है अच्छे से कि हाँ ओके ये इतने नंबर का होगा, इसका ये अप्रोच रहेगा. फिलहाल वी विल डेफिनेटली हैव सम क्वेश्चंस जो कि केस स्टडी बेस होंगे अपने एग्जाम्स में, और वहां पे आप अप्रोच करो, वो सब डिस्कस करेंगे हम. कुछ पेपर्स में उनके ऊपर क्वेश्चंस कम होंगे, कुछ पेपर्स में उनके ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहोगे दोनों सिनेरियो के लिए. मान लो आपके फाइनल जो एग्जाम होंगे मई में, उसमें जब कम आ गया तो आपने कम वाला भी दिया हुआ है, ज्यादा आ गया ज्यादा वाला भी दिया हुआ है, तो हम आपको हर केस के लिए प्रिपेयर करवाएंगे. ठीक है. बिल्कुल ऋतु, एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम ही होगा. Properly board, yeah. We are making it very clear. हम आपका knowledge जो है वो सिर्फ boards के prospect से check करना चाहते हैं यहाँ पे. ठीक है? Anything else? Anyone? Okay, I think we can. Okay, so we can end the session here. Okay, guys, all the best. All the best, everyone. मिलते हैं कल exam के दौरान. अच्छे से पढ़ो, अगले एक दिन तो अभी कोई मस्ती मत करना, कल के एग्जाम को सीरियसली लो, और जो भी सिलेबस हुआ है उसको अच्छे से उसी पे टारगेट रखना. एग्जाम्स में कोई नए कॉन्सेप्ट पे फोकस मत करना, जो कर चुके हो उसी के ऊपर देखना कि आप मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हो. दिस शुड बी योर अप्रोच फॉर टुमारो. दैट ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे हम लोग जल्दी. चलो ओके, बाय 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 एवरीवन, टेक केयर. ओके बाय बाय.